नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू केवी क्लासेस। केवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप सबों के लिए लाए लास्ट लास्ट 7 मंथ करेंट अफेयर्स, आपका जो कि जनवरी से लेकर कहां तक जुलाई 2019 का जितने भी करेंट अफेयर्स बनते हैं, सारे करेंट अफेयर्स के अंक देखेंगे, टॉपिक वाइज देखेंगे, सारे क्वेश्चन जितने भी टॉपिक बनते हैं देखते हैं कौन कौन टॉपिक आपका पहला टॉप का संसद नियुक्ति से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे देखेंगे। उसके बाद आएगा आपको आर्थिक डिफेंस, इसमें भी जितने भी टॉपिक बनते हैं जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को देखेंगे जनवरी 2019 से जुलाई 2019 के बीच में। उसके बाद सन अभ्यास जो होगा उसका क्वेश्चन देखेंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चन देखेंगे, इवेंट देखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद आपका पुस्तक लेखक होगा, उसके बाद हम क्या देखेंगे इंडेक्स सूचकांक जो होता है वो देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे ऐतिहासिक देखेंगे, उसके बाद फिर हम आते हैं ऐतिहासिक स्थल होगा करंट अफेयर्स के तौर पे, उसके बाद आएंगे दिवस, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट दिवस है आपका जनवरी और 2019 के बीच में सारे क्वेश्चन को यहाँ देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं अवार्ड, जितने भी अवार्ड मिले हैं इस बीच में आपका जनवरी से जुलाई 2019 के बीच में सारे अवार्ड को देखेंगे एमसीक्यूज क्वेश्चन के रूप में, फिर खेल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद आपका निधन, जिसका निधन जनवरी 2019 और जुलाई 2019 के बीच में जितने भी निधन हुआ है उसको देखेंगे, फिर उसके बाद हम संस्कृत कल्चर के भी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद विदेश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन देखेंगे, और ये प्रेजेंटेड बाय होगा आपको केवी क्लासेस, ठीक है। और यदि पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिए। यदि आप इतना करेंट अफेयर्स को आप तैयार कर लेते हैं, देख लेते हैं हमारे वीडियो को, पूरी वीडियो देख लेते हैं, दो पार्ट में आपका आएगा, ठीक है। ये पहला पार्ट हम अपलोड कर रहे हैं, दूसरा पार्ट आपको जल्द ही अपलोड कर देंगे, उसका मैं लिंक दे दूंगा जब भी अपलोड होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बगल में बेल आइकन उसको दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। इतना करेंट अफेयर्स यदि आप तैयार कर लेते हैं, मेरे हिसाब से एक भी क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन यहाँ कवर कर लिया गया है, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन करते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है 17वीं लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष कौन है। आंसर क्या होगा इसका, ओम बिरला। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, ओम बिरला हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको, ओम बिरला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन हमारा है कि लोकसभा में 24 जुलाई 2019 को पारित हुए एंटी टेरर बिल द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल 2019 यूएपीए में इनमें से क्या प्रावधान है। पहला ऑप्शन है संगठनों के साथ व्यक्ति भी घोषित किए जा सकेंगे आतंकी एवं और आतंकी संगठनों की संपत्तियां जब्त हो सकेगी। इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा आपको ए और बी, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। दोनों कथन आपका सही है, ये भी और ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री को सौंपा है, इस समिति के अध्यक्ष कौन है। आंसर हो जाएगा इसको ऑप्शन बी, डॉक्टर कस्तूरी रंगन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन बी डॉक्टर कस्तूरी रंगन हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में पहली विदेश यात्रा किस देश में की, किस देश में की आपका ये, मालदीव हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा आपको, मालदीव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत में निर्मित तटीय निगरानी रडार प्रणाली कोस्टल सर्वेलेंस रडार सिस्टम का उद्घाटन किस देश में किया। क्या हो जाएगा इसका आंसर आपको, मालदीव हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, मालदीव की सबसे पुरानी मस्जिद का नाम बताएं जिसके संरक्षण का ऐलान पीएम नरेंद्र मोदी ने वहां के संसद में किया। क्या हो जाएगा इसका आंसर, फ्राइडे मस्जिद हुकरू मिस्की। क्या हो जाएगा आपको, फ्राइडे मस्जिद हुकरू मिस्की, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 जून को मालदीव की संसद को संबोधित किया, इस संसद का नाम क्या है। ये आपको संसद का नाम बताना है, पीएम नरेंद्र मोदी जो 8 जून को मालदीव की संसद में संबोधित किया था, इस संसद का नाम बताना आपको क्या होगा। इस संसद का नाम होगा द पीपल्स मजलिस। क्या हो जाएगा इसका, द पीपल्स मजलिस आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस नीति के तहत पीएम नरेंद्र मोदी अपने दूसरे कार्यकाल में मालदीव के बाद 9 जून को श्रीलंका की यात्रा पर पहुंचे। आंसर इसका हो जाएगा पड़ोसी प्रथम नेबरहुड फर्स्ट। क्या हो जाएगा, पड़ोसी प्रथम नेबरहुड फर्स्ट। अगला क्वेश्चन,
पूर्वोत्तर भारत का कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने वाले पहला दल बना? आंसर हो जाएगा इसका नेशनल पीपल्स पार्टी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? नेशनल पीपल्स पार्टी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आपका नेशनल बुक ट्रस्ट का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ से नियुक्ति का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। नेशनल बुक ट्रस्ट का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? आपको गोविंद प्रसाद शर्मा को नेशनल बुक ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। और नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? ये नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1957 ईस्वी में। कब हुई थी? 1957 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1957 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत सरकार ने किस अवधि को अंतरराष्ट्रीय निर्माण तकनीक वर्ष घोषित किया है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? अप्रैल 2019 से मार्च 2020। मैं बता दूं कि निर्माण टेक्नोलॉजी वर्ष के द्वारा एडवांस्ड निर्माण तकनीक पर फोकस किया जाएगा। यह देश में गृह निर्माण की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? भगवान लाल साहनी को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया आपको? भगवान लाल साहनी को। देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना 123वें संवैधानिक संशोधन विधेयक 2018 तथा 102वें संशोधन के द्वारा की गई थी। कौन सा संशोधन आपका? 123वां। ठीक है, 123वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 2018 तथा आपका 102वें संशोधन, ठीक है, द्वारा की गई थी आपका ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य ने सीरा मोलसेस पर प्रतिबंध लगाया? आंसर इसका हो जाएगा आपको सी असम। असम के दो जिले गोलघाट और जोरहाट में जहरीली शराब पीने से 158 लोगों की मौत हो गई थी। इसी के बाद सीरा को प्रतिबंध किया गया। सीरा जो कि सीरा आपका उपयोग सुलाई नामक मादक पेय के लिए निर्माण में किया जाता है, जो पीने वाली सामान होती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस पर प्रतिबंध लग गया था। क्यों लगाया गया था? इसमें लगभग शराब पीने से 158 आदमी की मौत हो गई थी। अगला क्वेश्चन, शेख अहमद अल फहद अल सबाह को पुनः एशियाई ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया, वे किस देश से हैं? आंसर हो जाएगा कुवैत। आंसर क्या हो जाएगा आपको? कुवैत हो जाएगा। समिति का मुख्यालय कुवैत सिटी में स्थित है। ठीक है, समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेत सिटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अभिलेखागार का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा आपको पीवी रमेश। आंसर क्या हो जाएगा आपको? पीवी रमेश हो जाएगा, जिसे राष्ट्रीय अभिलेखागार का महानिदेशक चुना गया है, पीवी रमेश को, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? वो अजीत कुमार मोहंती को, अजीत कुमार मोहंती, ऑप्शन सी, अजीत कुमार मोहंती को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का गुडविल एम्बेसडर चुना गया है? आंसर हो जाएगा आपको पद्मलक्ष्मी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पद्मलक्ष्मी को भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का गुडविल एम्बेसडर चुना गया है। किसको? पद्म लक्ष्मी को। अगला क्वेश्चन किस भारतीय को विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस भारतीय को यूनिवर्सिटी पीस द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है? आंसर क्या हो जाएगा आपको? वेंकैया नायडू हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? वेंकैया नायडू को यूनिवर्सिटी पीस द्वारा मानद डायरेक्टर की उपाधि प्रदान की गई। देखिए, इसमें हुआ था क्या कि यूनिवर्सिटी ऑफ पीस की स्थापना हुई थी,
यूनिवर्सिटी ऑफ पीस की स्थापना कब हुई थी? 1980 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1980 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 3555 को प्रारित करने के बाद की गई थी। इस यूनिवर्सिटी का मुख्य कैंपस मध्य अमेरिका के कोस्टा रिका नामक देश में स्थित है। अमेरिका के कोस्टा नामक, ठीक है, कोस्टा रिका क्या आपको, कोस्टा रिका नामक देश में स्थित है यह यूनिवर्सिटी। ठीक है, स्थापना कब हुई थी इसका? 1980 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, एलआईसी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? एलआईसी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी हो जाएगा, एम आर कुमार को एलआईसी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और देखिए, एलआईसी का स्थापना कब हुई थी, एलआईसी की स्थापना कब हुई थी, याद रखिएगा, 1 सितंबर 1956 ईस्वी, 1 सितंबर 1956 ईस्वी को एलआईसी की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा भी जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है। इसका मुख्यालय आपको मुंबई में है, कहाँ पे इसका मुख्यालय, मुंबई में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर चुनाव एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए गौरी सावंत को, किसको किया गया, गौरी सावंत को। भारत में पहली बार हुआ जब किसी ट्रांजिस्टर को चुनाव एम्बेसडर चुना गया है। वह महाराष्ट्र की रहने वाली है, या कहाँ की रहने वाली है, महाराष्ट्र की रहने वाली है। मार्च में यह नियुक्ति हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2014 में ट्रांजिस्टर लोगों को पहली बार मतदान करने का अधिकार मिला था। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला लोकपाल किसे मनोनीत किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कि भारत का पहला लोकपाल किसे मनोनीत किया गया है। ये मनोनीत किया गया आपको पिनाकी चंद्र घोष को। किसको चुना गया आपको, पिनाकी चंद्र घोष। और ये क्या थे, वह सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। ये कौन आपको, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व क्या थे, न्यायाधीश थे, क्या थे, न्यायाधीश थे, न्यायाधीश भी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी? आंसर इसका हो जाएगा ए गीता गोपीनाथ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की 11वीं मुख्य अर्थशास्त्री है। अगला क्वेश्चन हमारा है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है विनोद कुमार यादव। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ठीक होगा, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है, विनोद कुमार यादव। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष और एमडी कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष और एमडी कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, अजीत मोहन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अजीत मोहन। अजीत मोहन को सभी रणनीतियां और टीमों को कमान संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चीन में भारत के राजदूत कौन है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए विक्रम मिस्त्री, जो कि चीन में भारत के राजदूत नियुक्त हैं आपको विक्रम मिस्त्री। अगला क्वेश्चन, सशस्त्र सीमा बल SSB का महानिदेशक किसे चुना गया है, कौन है वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल SSB का महानिदेशक कौन है? आंसर क्या हो जाएगा आपको, कुमार राजेश चंद्र। क्या हो जाएगा, कुमार राजेश चंद्र हो जाएगा, कौन है आपको, कुमार राजेश चंद्र। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुधीर भार्गव हो जाएगा। कौन हो जाएगा आपको, सुधीर भार्गव हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुधीर भार्गव। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय को फिर से WHO का दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर इसका हो जाएगा आपको डॉक्टर पूनम खेत्रपाल। ऑप्शन ए डॉक्टर पूनम खेत्रपाल को फिर से WHO का दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रवासी भारतीय मामलों का सचिव किसे नियुक्त किया गया है?
ऑप्शन ए विकास स्वरूप को किसको किया गया आपको, विकास स्वरूप को। अगला क्वेश्चन, बीएसएनएल का नया चेयरमैन और एमसीएमडी किसे नियुक्त किया गया है, प्रवीण कुमार पुरवार को। ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रवीण कुमार पुरवार। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय संसद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाएगा आपको डेविड मारिया सासोली, ऑप्शन ए हो जाएगा। वह यह जनवरी 2022 तक इस पद पर बने रहेंगे, ये 2022 तक आपका इस पद पर बने रहेंगे, 2022 तक, कब तक, 2022 तक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा, यूरोपीय केंद्रीय बैंक का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, यूरोपीय केंद्रीय बैंक का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, ये नियुक्त किया गया है क्रिस्टिन लेगार्ड को। ऑप्शन बी हो जाएगा आप, इसका आंसर क्या होगा, क्रिस्टिन लेगार्ड, है ना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF की महानिदेशक क्रिस्टिन लेगार्ड यूरोपीय केंद्रीय बैंक की नई प्रमुख होंगे, या यूरोपीय केंद्रीय बैंक के प्रमुख बनने वाली प्रथम महिला होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसने हाल ही में DGCA के पूर्वकालिक महानिदेशक का पदभार संभाला है। आंसर हो जाएगा ए अरुण कुमार, किसने, अरुण कुमार ने। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, छत्तीसगढ़ का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, छत्तीसगढ़ का नया राज्यपाल आपको अनुसुईया उइके को किया गया है, अनुसुईया उइके, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन हमारा कि आंध्र प्रदेश का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए बी हो जाएगा विश्वभूषण हरिचंदन, क्या होगा, विश्वभूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश का नया राज्यपाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा कलराज मिश्र हो जाएगा, कौन हो जाएगा आपको, कलराज मिश्र हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल हैं। अगला, गुजरात का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, गुजरात का नया राज्यपाल नियुक्त हुआ आपको आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत, ऑप्शन सी, ठीक है, गुजरात के नए राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है, आनंदी बेन पटेल को उत्तर प्रदेश का नया राज्यपाल बनाया गया, ऑप्शन ए सही है। गुजरात की पूर्व सीएम आनंदी बेन पटेल नई नियुक्ति से पहले तक मध्य प्रदेश की राज्यपाल थी, है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है कि बिहार का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है, फागू चौहान, ऑप्शन बी फागू चौहान को बिहार का नया राज्यपाल बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, किसे बनाया गया है मध्य प्रदेश का। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लालजी टंडन, जो कि मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल बनाया गया है, ठीक है, लालजी टंडन को। इससे पहले ये बिहार के राज्यपाल थे लालजी टंडन जी। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है, पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा जगदीप धनखड़, कौन हो जाएगा आपको, जगदीप धनखड़ हो जाएगा पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल, ठीक है, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। अगला क्वेश्चन, त्रिपुरा का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है, त्रिपुरा का नया राज्यपाल रमेश बैस को बनाया गया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, नागालैंड का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है, नागालैंड का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है। आंसर हो जाएगा BRN रवि को नागालैंड का राज्यपाल बनाया गया है। आगे बढ़ते हम, किस भारतीय को वर्ल्ड बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है, किस भारतीय को वर्ल्ड बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है। आपको अंशुला कांत, ऑप्शन बी हो जाएगा अंशुला कांत, यह SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अंशुला कांत, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से किसे सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। यह हो जाएगा ऑप्शन डी न्यायमूर्ति AK सिकरी, कौन हो जाएगा, न्यायमूर्ति AK सिकरी को सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश AK सिकरी सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय मतलब SICC में अंतर्राष्ट्रीय जज नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन,
इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्या हो जाएगा इसका आंसर आपको? डी हो जाएगा, कर्णम शेखर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा, कर्णम शेखर हो जाएगा, कर्णम शेखर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रेड बस का ब्रांड एम्बेसडर किस क्रिकेटर को बनाया गया है? रेड बस का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया आपको? महेंद्र सिंह धोनी को रेड बस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि फैंटेसी 11 का ब्रांड एम्बेसडर किस क्रिकेटर को बनाया गया है? फैंटेसी 11 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, किसे बनाया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? मुरली कार्तिक को बनाया गया। किसको बनाया गया है? मुरली कार्तिक को फैंटेसी 11 का ब्रांड एम्बेसडर क्रिकेटर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, ट्विटर इंडिया का प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? ट्विटर इंडिया का प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा मनीष महेश्वरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? मनीष महेश्वरी हो जाएगा। ट्विटर इंडिया का प्रबंध निदेशक मनीष महेश्वरी, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। को बनाया गया किसको? मनीष महेश्वरी को ट्विटर इंडिया का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो लेसन अपलोड को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये पार्ट वन था, ठीक है, ये आपका क्या था, ये पार्ट वन था। 50 क्वेश्चन फिर हम देखेंगे इसके आगे, ठीक है। तो आप यदि आप वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकॉन होगा उसको आपकी क्लिक कीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं लेसन अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। पसंद है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।